तो आज की इस वीडियो में हम लोग बृहस्पति बार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सेवा करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही काम समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बाबड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुआरी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार सत्कर्मों से आपका कुल और आपका नाम लोक परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों पर खुश न हुई। वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं है। जिससे मनुष्यों को दान देवे तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता है। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जैसा बतलाता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, शाम को स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस आदि खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार सात बृहस्पति बार करने से तुम्हारे सब धन नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। तीन बृहस्पति बार ही बीते थे कि उसका सब धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए वे दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। अब वह राजा अपनी रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 शेर बेजर मांगला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। दासी ने उससे कहा, मुझे तेरी बहन ने भेजा है, 5 शेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने बार बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार दासी को जब किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया। तुरंत ही वह लौट गई और अपने गांव रानी के पास जाकर बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे समय आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग का दोष है।
उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी के घर चली गई और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठ सकते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि हे बहन, हमारे पास अनाज नहीं था, वैसे तुमसे बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर के लिए भेजा था। रानी बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर को गई, वहां से एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी को बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी कि हे रानी, वैसे हमको यह अनाज न मिलता तो हम रोज ही भूखे रह के व्रत करते रहते, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसी है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए, सो बताओ। रानी की बहन ने कहा कि गुरुवार के दिन व्रत कर चना का दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले का जड़ में पूजन किया करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार को भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार आया तो वह घुड़साल में जाकर चना गुड़ ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बिचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली कि तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही दे गया हुआ है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है, और बड़ी मुश्किल के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाबरी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनाकर 2 कुआरी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। तब दोनों ने इसी प्रकार व्रत करना प्रारंभ किया तो फिर यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से हैं, उनका कोई खबर नहीं है। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान से प्रार्थना की और भगवान रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, उठे, तेरी रानी तुझको याद करती है, अबे अपने देश को चलो। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इसके पूर्व राजा प्रदेश में था तो प्रदेश में ही दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता था और उसे शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी को अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा
तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल एक लोटे में डालकर केले की जड़ की पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की प्रसन्नता देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुम रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति की कहानी इस प्रकार से है, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक राजा था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, बेचारे बहुत कहते किंतु उनका कोई बड़ी मांड न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी, पूजा पाठ स्नान करके भगवान का जप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती। तब ये जो जौ सोने के हो जाते थे, लौटते समय उसको बीन कर घर ले जाती थी। एक दिन वही बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह यह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला और उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी, उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। कन्या को सोने का सूप से जौ फटकते देखकर मोहित हो गया, अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उतान हो लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तब अपने प्रमुख मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई कारण हो, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात राजकुमार ने सुनी तो बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का पतला बतलाया। तब मंत्री अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान से के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता घर पर गरीबी का निवास हो गया, भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए।
बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ को माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वैसे ही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और साला हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो पुत्री माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल को उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और कोठरी में से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उससे निकालकर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। आप फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवती तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पतिवार के प्रभाव से सभी स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस कहानी को कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पति व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान बहुत नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। हर्ष में यह घोषणा कर दी कि किसी की कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में कर दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको घर सात घर लिवा कर ले गए और बैठा कर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब वो राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म की कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उस साधु की बात याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देवता प्रकट होकर बोले कि इसी कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर चार पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे चार पैसे मिले जिससे उसने पूजा की। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज नष्ट कर दूंगा। रात्रि में ऐसा स्वप्न देख कर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर टंगा हार देकर लकड़हारे से क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण को देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब राजा नगर के समीप पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं बन गई थी। राजा ने पूछा कि यह सब किसने बनवाए। नगर के सब लोगों ने कहा रानी ने। यह सब सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने राजा को लौटने की खबर सुनी तो दासी को कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़कर गए थे, वे हमारी यह हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी रहा। वह आज्ञानुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ आदर पूर्वक ले आई। राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ कि तुम धन कैसे प्राप्त हुआ, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा
हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हवा में इस तरह नीचे कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में कुछ आदमी मुर्दा लिए जा रहे थे, किसी और को न देख राजा उन्हीं लोगों को रोक कर कहने लगा, भाइयों मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले कि लो हमारा तो आदमी मर गया है और इसे कथा की पड़ी है। परंतु कुछ ने कहा कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब थोड़ी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा को एक किसान खेतों में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो कहा कि अरे भाई जरा मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। निराश हो राजा आगे बढ़ा। राजा के जाते ही किसान का बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। जब बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास पहुंची और उससे बोली कि भैया मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसके खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही किसान का बैल खड़ा हो गया और उसके पेट का दर्द भी बंद हो गया। बाद में राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा उठा तो सब लोगों ने भोजन कर लिया। तो मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अपना काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुम्हार के घर पर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ यहाँ 3 रोज किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पति की कथा कही जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कही। सास बोली कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा कि ये भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात सुनकर खुशी हुई। 9 महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई। राजा की बहन बोली भाभी इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामना होती है वे सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति बार का व्रत करता है एवं कथा कहता सुनता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूरी की थी। इसलिए सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उसका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।